हाँ, एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे ही घूम रहे हैं तब से। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। माँ का यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर
एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिनी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिनी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो या में गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिनी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिनी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिनी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिनी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिनी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है।
इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विच मन्नू और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते है। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सन्नी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं।
इससे पहले वो तन्नुविच मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते है। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। यह उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नुविच मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है।
कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्किल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में दो घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि दो घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नु विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और
बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्किल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है। तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं।
फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो डू वडू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया हिशादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मन्नू और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो डू वडू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।
विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया हिशादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की मां नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सनी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मन्नू और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। यह उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा।
मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नु विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो या में गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाए दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज।
फिल्म में शादिया हिशादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्किल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया हिशादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है।
पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्किल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। या में गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाई दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले।
गिनी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिनी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिनी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिनी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिनी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विच मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते है। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाए दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिनी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिनी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिनी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है, तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिनी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिनी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिनी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिनी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर
एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिनी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिनी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरी करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदियां पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मन्नू और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है, ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है, जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते है। एक फिल्म रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाए दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। यह उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिनी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिनी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिनी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिनी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिनी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है।
इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदियां पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नु विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी, जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है, ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है, जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाए दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है, और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्किल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सन्नी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदियां पसंद करते हैं।
इससे पहले वो तन्नू विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो या में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते है। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्किल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है।
कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। या में गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाई दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मन्नू और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। या में गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और
बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है, वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो डूबड़ू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू अजय ने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है। तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मन्नू और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है, वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो डूबड़ू
खड़े हैं मगर फासले तो है जरूर, सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है। तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नु विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो या में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाए दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर, सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।
विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू अजा ने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्किल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे, लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नु विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो या में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू अजा ने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा।
मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्किल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो या में गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाई दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज़।
फिल्म में शादिया हिशादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मन्नू और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाए दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। यह उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया हिशादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है।
पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदियां पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मन्नू और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है, ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है, जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते है। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाए दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। यह उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले।
गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदियां पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नु विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है, ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाए दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर
एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिनी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिनी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी, जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है, जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते है। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिनी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिनी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिनी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते सात फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्किल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिनी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिनी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है।
इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मन्नु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो या में गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सन्नी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं।
इससे पहले वो तन्नू विद मन्नू और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते है। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नू विद मन्नू और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है, ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है।
कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है। वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। यह उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विक्रांत मेसी की फिल्म गिन्नी विद सनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू अजय ने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी हो तो आप पहले से जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाले नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तो उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट तू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यहाँ ये है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मंगोतों के नखरे नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्में में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलन आ जाता है। इन रूटीन घटनाक्रमों के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी की फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की सदिया पसंद करते हैं। इससे पहले वो तन्नु विद मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में अधिक से अधिक भारतीयता लाना चाह रहा है। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसा ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी ये देखने वाले पर ही है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यहाँ में गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल वाला चेहरा और
बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छी है, वो सुंदर है और यहाँ उन्हें अदाएं दिखाने की भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि कहानी में कुछ नया कहा जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से है जो आप सबको जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।